खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोताय शेरिंग से आज थिम्पू में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा, ये भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार हैं। पीएम मोदी ने भूटान में रुपए कार्ड को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी का बारो एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। भूटान के प्रधानमंत्री ने वहां उनकी अगवानी की। कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में शनिवार को ढील दी गई। शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि पहचान पत्र दिखाने के बाद ही लोगों को आवाजाही की अनुमति दी गई है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की एक चौकी को उड़ा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में लांस नायक संदीप थापा शहीद हो गए। देश के 5 राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अब तक 241 लोगों की जान चली गई है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान और पंजाब में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पैरालंपिक में रजत पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन पहलवान बजरंग पूनिया के साथ शनिवार को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा समेत 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।